Assalamualaikum everyone. guessing up the I hope you all are doing good and welcome back to my channel. ये आवाज़ को आज थोड़ा आपने इग्नोर करना है क्योंकि मुझे हुआ है फ्लू कुछ दिन से तो इस वजह से जो है मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी एडिटिंग नहीं कर रही थी किसी भी ब्लॉग का तो आज थोड़ा बेहतर हुआ तो मैंने सोचा चलो मैं आज ब्लॉग जो है वो एडिट कर ही लेती हूँ तो आज हम आए हैं लिडिल पर एक्चुअली ना ये जो है आ, बीच डे वाले दिन से अगले दिन का ब्लॉग है मतलब सैटरडे का ये ब्लॉग है तो मैं आज जो है इसको आ, एडिट वगैरह करके मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेल सिंस द लास्ट वीक सो so, मैं इस वजह से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकती तो आज मैं आपको प्यार प्यार से बर्तन दिखाऊंगी यहाँ पर से और जो मैंने कुछ खरीदे भी थे जो आ, कुछ होती है ना हाउस होल्ड आइटम्स तो मैंने खरीदी भी थी चीज़ें और ये बहुत ही प्यारी जो है ग्रिल चीज़ें लगी हुई थी और ये देखिए कितना प्यारा बाउल सेट है और ये बहुत ही अच्छा था मतलब कि बहुत हार्ड प्लास्टिक एक्रेलिक प्लास्टिक जिसे कहते हैं ना उस तरह वाली ये प्लास्टिक थी बहुत अच्छा जो है ना ये सेट था तीन बाउल्स का तो फिर ये अच्छा लगा था तो ये ले लिया क्योंकि ये तो चीज़ें जो होती है वो घर की ज़रूरत होती है तो ये भी ले लिया और उसके बाद जो जो चीज़ें ली हैं ना तो मैं आपको दिखाती हूँ और वैसे भी जो है चीज़ें जो लगी हुई थी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो है ना बेड था जो हवा के साथ भर जाता है और हवा निकालो तो वो सकड़ भी जाता है और ये देखिए कितने छोटे छोटे प्याज इतने क्यूट लग रहे थे इसमें ये खुश हो जाएगी को ये देखो देखो देखना इसको ऐसे ऐसे ना मायरा <laughs> <नाएचार। laughs> हाँ। ने भी कहना चुचू मैं भी नहीं, नहीं। वो जो छोटे वाले प्याज हैं ना मैंने फर्स्ट टाइम देखे है कि इतने छोटे प्याज भी होते हैं मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रही हूँ इतने क्यूट क्यूट से लग रहे थे तो ये देखिए इलेक्ट्रिक मिन्सर भी है फुट मसाजर भी है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी और ये फुट मसाजर तो इसमें काफ़ी देर से यहाँ पर देख रही हूँ तो उसके बाद ये देखें हर तरह की मशीन अवेलेबल है मतलब कि आप पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो है ना यूज़ करना बहुत ही वो एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि बिजली बहुत महंगी है ना पाकिस्तान में तो यहाँ पर देखें ये जो जार्स हैं यहाँ से भी मैंने दो तीन जार्स लिए ड्राई फ्रूट डाले डालने के लिए मैंने जब इन जार्स को देखा ना तो मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान में, में मेरे पास इतने प्यारे प्यारे जार्स पड़े हुए हैं ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए वो भी जो है ना स्टेप्स बने हुए हैं छोटे बड़ा और उससे बड़ा इतने प्यारे प्यारे मतलब कि मेरे पास इतनी अच्छी कलेक्शन है जार्स की भी और सारा कुछ जो ना मतलब हर चीज़ वहाँ पर बर्तनों की मैंने बना कर रखी हुई थी बट यहाँ पर लेकर आ नहीं सकी कुछ भी ना तो खैर इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो फिर लेकर भी आऊँगी तो ये मैंने प्लास्टिक बाउल देखा इतनी अच्छी इसकी प्लास्टिक थी ना तो फिर मैंने ये प्लास्टिक बाउल भी लिया और भी मैंने वो जो जार्स हैं वो भी लिए क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के लिए वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि सामने पड़े हो ना ड्राई फ्रूट्स जार में डाल के रखे हुए तो फिर इंसान खा भी लेता है मतलब चलते है, फिरते है, मतलब गुजरो तो देखो नज़र पड़ी है तो खा लो तो इस वजह से मैंने वो भी लिया तो ये ये जो है पतीला देख रहे थे हम इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी हमने स्कूटर देख रहे थे और इसके जो है फोर फंक्शन है मतलब कि छोटा बेबी है तो एक नंबर चलाए उससे बड़ा हो तो दूसरा नंबर चलाए फिर उससे बड़ा हो जाए तीसरा नंबर चलाए उससे बड़ा हो जाए तो चौथा नंबर चलाए मतलब बहुत ही जो है ना अच्छी मुझे लगी ये स्कूटर जो है इन मान्स मुझे तो हाउस होल्ड आइटम्स की शॉपिंग करने का इतना मज़ा आता है मेरा दिल चाहता है कि मैं ना इस तरह की चीज़ें खरीदती रहूँ क्योंकि हर हर तरह की चीज़ की जरूरत पड़ती है जब आपने एक प्रॉपर घर बनाना बनाया हो अपना तो ओबली अब हमें यहीं पर रहना है तो हम मुझे होता है कि हर चीज़ जो है ना आ, मेरे किचन में अवेलेबल हो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसी तरह की होती हैं तो इसी वजह से मैंने पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें जमा कर रखी थी तो मैंने कहा चलो जिस चीज चक्कर में जितनी जितनी, जितनी चीज़ें आ जाएंगी चलो वेल एंड गुड तो आज हम जो है ना एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ लेने की नीयत से नहीं आए थे तो बस ना मेरा पानी ख़त्म हुआ था पीने वाला तो हम वो लेने आए थे लिटिल से क्योंकि लिटिल जो है हमारे घर के पास ही है ना तो फिर वो लेने आए थे तो फिर जी हाउस होल्ड आइटम्स पर नज़र पड़ी तो फिर जी भाई मैं तो कूडेंट रिजिस्ट <laughs> क्योंकि सारी ज़रूरत की ही चीज़ें थी कोई फालतू तो चीज़ तो है नहीं थी तो फिर जो है मिली भी थोड़ी रिजनेबल तो हमने ले ली चीज़ें सारे दिन का जो है ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया था तो बस हम जो है अचानक ही बाहर निकला क्योंकि पानी नहीं था तो उस वजह से फिर बाहर निकला तो चल सोचा कि चलो मैं बनाती हूँ ब्लॉग भी तो फिर जगह जाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आज मैंने अफतारी में क्या बनाया और क्या मतलब हम लोगों ने आज खाया तो थोड़े से रोज़े रह गए हैं मेहमान हैं बस रमज़ान तो और बहुत ही मज़ेदार मेरा रमज़ान गुज़रा अलहमद ला यहाँ पर बस आजकल मुझे थोड़ी सी बहुत ही क्रेविंग्स हो रही हैं कि किसी तरीके हम पाकिस्तान चले जाएं बस हम किसी वजह से नहीं जा सकती ना इस वजह से तो अब हम रुके हुए हैं क्योंकि वो इस वजह से मेरा दिल चाह रहा है कि हर को जो है पाकिस्तान जो भी इधर से सुनती हूँ जो पाकिस्तान गए हुए पाकिस्तान गए हुए हाई ला मेरा भी दिल चाहता है पाकिस्तान जाने को तो ये देखेंगे है जी हल्दीराम की पानीपूरी तो मैंने जो है स्टफ़ सारा तैयार कर लिया था आ, आलू चने लोबिया वगैरह सारा जो है मैंने बॉईल करके रख लिया था जो है चने जो है मैं ज़्यादातर जो है कैंड यूज़ करती हूँ तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है तो फिर यहाँ पर मैंने खाने में बनाया हुआ था आलू गोश्त और साथ में बनाए हुए थे मैंने चावल उबले हुए और इतने मज़ेदार फिर मैं यहाँ पर जो है ना इमली की चटनी तैयार कर रही हूँ यहाँ पर मैंने एक दफ़ा मैंने घर में बनाई थी और एक दफ़ा अब मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि इसके अंदर चीनी वगैरह डाल कर ना तो कैसी भला बनती है और इट टर्न्स आउट सो गुड तो मैंने रेसिपी है रिकॉर्ड नहीं की और ये सारी चीज़ें थी जो हम लेकर आए हैं जो मेरे पास इमली थी ना वो ऑलरेडी पेस्ट फॉर्म में थी बस उसके अंदर जो गुटलियाँ थी ना वो मैंने निकाल ली थी पानी में ऐड करके ना इमली को तो बस मैंने एक गुटलियाँ निकाल ली थी और इसको जो है आ, मतलब जो है पेस्ट उसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया पानी के अंदर भी मैंने फ्लेम ऑन किया इसके अंदर भी मैंने डाला नमक मिर्च और ज़ीरा और उसके साथ में मैंने काफ़ी सारी चीनी डाली है और जी बस ये अब इसको कुक करते जा रहे हैं और जब तक ये थिक नहीं हो जाती तो ये जब थिक हो जाएगी तो तैयार हो जाएगी बस डेड सेट तो ये हमारा मिक्सचर तैयार है गोलगप्पों का इतनी ज़्यादा मुझे आजकल क्रेविंग्स हो रही है ना इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं कि पाकिस्तान का जो स्ट्रीट फूड है वो खाऊ इतना मज़ा आता है ना वो खाने का बस जी क्या करें <laughs> अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर भी हर चीज़ ही अवेलेबल है और ये देखे इस चार में जो है मैंने डाल कर फिर जो है ना चटनी रख दी मैंने इसको थोड़ा सा ना पतला पतला ही रखा है थोड़ी तो सी इस इसकी रहनी कंसिस्टेंसी है तो मैंने ज़्यादा जो है ना फ्लेम नहीं ऑन किया हुआ था मतलब कि तेज़ नहीं किया हुआ था तो फिर इस वजह से जो है आराम से धीमी आँच पर यह पक गई मतलब चटनी तैयार हो गई और इतनी मज़ेदार बनी है ना और जी यहाँ पर मैं खा रही हूँ गोल गप्पे और इतने मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया मेरा जो खट्टा पानी होता है ना वही बहुत मज़ेदार होता है बहुत मज़ा आता है मैं हल्का सा थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा कह लें कि एक चुटकी से भी कम जो है मैं वो डालती हूँ आमचूर और बाकी जो है इमली पा इमली का पानी नमक मिर्च बस इतना टेस्टी होता है ना क्या ही बात <laughs> और मैं यहाँ पर गोलगप्पे खाती हुई इतनी मैं, मैं वो जो है ना इनर सैटिस्फेक्शन मिल रही थी मुझे कि हाय अंदर जा रहा है सुकून मिल रहा है <laughs> पाकिस्तान के गोलगप्पों की याद आ जाती है जब यहाँ पर गोलगप्पे खाते हैं तो यहाँ पर जो है ये हल्दीराम के गोलगप्पे बने हुए ही मिलते हैं और एक पैकेट मिलता है जिसको जो, जो ना, है ना खुद ही बनाना पड़ता है ऑयल में फ्राई कर लें या माइक्रोवेव में बन जाते हैं वो वैसे मैंने माइक्रोवेव वाले ट्राई नहीं किए अभी तक तो ऑयल में मैंने फ्राई करके खाए थे मगर तो थोड़े से हार्ड होते हैं ये बहुत खस्ता होते हैं बहुत ही मज़ेदार होते हैं मैंने एक वीडियो में ही देखा था कि जो है गोलगप्पों को जो फ्राई करने वाले गोलगप्पे होते हैं ना उनको माइक्रोवेव में रख के ना प्लेट में रख के तो उनको जो है टाइम लगाया तो बस जब वो फूलने लगते हैं तो उसको बंद कर लेते हैं जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी वैसे मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया वैसे मैंने ऑयल में बना कर ट्राई किया मैं और ये वाले तो बहुत ही मज़ेदार थे क्या ही बात है बहुत मज़ा अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मुँह में पानी आ रहा है खैर मैंने तो अपने मियाँ जी को बोला है कि जब मैंने जाना है ना पाकिस्तान तो मैंने हर तरह की चीज़ खानी है वहाँ पर मतलब कि जोन सी भी ठेले से लो रेड़ी से लो जिधर से बरसी लो जौन सी दिल किया चीज़ पकड़ के मंगवा के खा ली साथ में फिर अपनी थोड़ी सी खिदमतें भी तो करवानी है ना हिम्मतें करवाएंगे पाकिस्तान में जाएर है हम तो फिर छुट्टी जा रहे हैं ना भी एक महीना जाना होता है तो फिर छुट्टी भी तो हमारी अच्छी से गुजरनी चाहिए ना खिदमतें करवाएंगे थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा हो गई थी चाट में तो फिर हमने खाई साथ में रस मलाई और खट्टे के बाद फिर मीठा तो बनता है ना तो फिर साथ में मैंने ड्रामा अपना लगाया हुआ था यह इंडियन ड्रामा अगर कोई देखता है तो मुझे लाज भी बताइएगा कमेंट्स में यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मिलते हैं आप अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग